नवरात्र का पांचवा दिन माँ स्कंद माता के नाम होता है। माँ के हर रूप की तरह यह रूप भी बेहद सरस और मोहक है। स्कंद माता अपने भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो माँ के शरण में पहुँचता है तो माँ उसे भी अपने प्रेम के आंचल से ढक लेती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा इस मंत्र से आरंभ करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस देवी की चार भुजाएं हैं। यह दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकीय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठाती होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं इस स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। बोलिए माँ स्कंद माता की, बोलिए माँ स्कंद माता की।